अस्सलामुअलैकुम। आज मैं सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। यहाँ हम देखने आए थे, हमारे वसीम साहब लेके आए हैं यहाँ पर घुमाने के लिए। साथ में मेरे छोटे भाई वसीम साहब हमारे लेके आए। ये वसीम साहब हैं, ये रज़ाक मेरे छोटे भाई हैं। मेरे लिए बड़ा प्राउड में महसूस करता था यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट का के, और मैं रज़ाक मेरे छोटे भाई हैं, इनके तो इस वक्त दोस्त भी इदरीस मेमन जो है कराची चैम्बर के सदर हैं इस वक्त और प्रेसिडेंट है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। तो मेरे छोटे भाई के बहुत से दोस्त हैं और इकबाल भाई भी हमारे एडवाइजर एक्सपोर्ट के कराची में। तो रज़ाक मेरे साथ है। मैंने रज़ाक से कहा कि देखो कराची कितना बड़ा बिजनेसमैनों का शहर है और वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ये काम करना चाहिए था, और यहाँ सियालकोट जैसे बिजनेसमैनों ने और चैम्बर ने ये प्राइवेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी दुनिया में पहली मिसाल है कि हमारा ये प्राइवेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान में बना है। मुझे तो बड़ा प्राउड है, फख्र है कि अब तो ये इंटरनेशनल भी हो गया, पहले डोमेस्टिक था। और ये सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये पहले इन लोगों ने डोमेस्टिक परवास के लिए स्टार्ट किया था, मगर अल्लाह का करम है कि इस वक्त इंटरनेशनल फ्लाइट है और दुनिया भर के फ्लाइट यहाँ से जाती है। और इतना खूबसूरत एयरपोर्ट है, इतना बड़ा एयरपोर्ट है वसीम। और वसीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे भाई का क्या सर्वे कराने लाए। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ एक अच्छे शहर में, अच्छी जगह पे, और सियालकोट इंटरनेशनल में। बिलाल साहब के साहब है, हाँ हमारे भतीजे के ग्रैंडफादर भी हैं। ये बहुत अच्छे शरीफ इंसान है, नेक इंसान है। ये हमें अपना पूरा इलाका समरियाल और ये इलाके जो वजीराबाद और ये यहाँ घुमाने लाए हैं, तो ये खास करके इस एयरपोर्ट पे लाए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान जैसे हमारे मुल्क में बिजनेस मैन, भी दुनिया में ऐसी मिसाल तो अभी तक मैंने तो ना सुनी है ना पढ़ी है कि पूरी दुनिया में बिजनेस मैनों ने जो है ना वो एयरपोर्ट नहीं बनाया है। यहाँ बिजनेस मैन जो है इन्होंने आपस में कंट्रीब्यूशन किया है। शुरू में कुछ 100 मेंबर थे, इन्होंने पैसा मिलाया, फिर बढ़ते गए। ये मैंने इनकी ये सुनी पड़ी थी किसी जगह। तो ये अल्लाह का फजल है कि हमारा मुल्क इतना अच्छा तरक्की कर रहा है, और खास करके ये इलाका भी रास्ते में देखता हुआ आया हूँ, इतना बेहतरीन इलाका और इतना अच्छे अच्छे मकानात, रोड, हर चीज़ें मौजूद है, सारी सहूलतें। हमारे वसीम साहब बताते हैं, वसीम साहब ये कितने अभी आपने रास्ते में बताया तो बहुत कम अरसे में इतनी डेवलपमेंट हुई है। ये असल में जब से ये तहसील बनी ना, तहसील बनने के बाद जब एयरपोर्ट यहाँ पे ओके हुआ तो उसके बाद जो है ना वो इस इलाके की डेवलपमेंट जो है ना वो हुई है और बड़ी तेजी से। माशाल्लाह जो लोग हैं इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इधर का रुख किया और यहाँ पे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की और इस एरिए को बड़ी जल्दी जो है ना वो ऊपर लेके गया। और माशाल्लाह ये हमारे लिए भी बड़े फख्र की बात है कि हमारे इस शहर में, जबकि हमें कहीं भी सफर करना पड़ता था तो लाहौर या इस्लामाबाद के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अभी हम जितना भी हमारा हवाई सफर है तो यहाँ से हो जाता है। दुनिया के किसी कोने में भी जाना हो यहाँ से टिकट ओके करवाते हैं और चला जाते हैं। लाहौर या वाया इंटरनेट जो इस्लामाबाद है इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए ना, कल रफीक साहब डायरेक्ट यहाँ आए हमारे, वो 15 मिनट में घर तक पहुँच गए। और आपकी जो रिहाइश है वो उसके ये जब ये तो इतना करीब है एयरपोर्ट कि आपकी रिहाइश के ऊपर से जहाज उड़ते हुए यहाँ आते हैं। जब ऊपर जहाज निकलते हैं तो हम घर से निकलते हैं, जहाज के लैंड करते करते हम एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। माशाल्लाह रज़ाक तुम्हारे दोस्त हैं कराची चैम्बर के अपने इदरीस भाई, तो उनको क्या मशवरा दोगे? कम से कम इनको भी अब चाहिए कि मैं यही मशवरा दूंगा इकबाल खानी साहब और इदरीस भाई को कि ऐसा यार कुछ सा कारनामा वहाँ पर भी अंजाम देना चाहिए हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। आप यूथ हो दोनों, इदरीस भाई इकबाल भाई, मगर इन दोनों ने भी इतना बड़ा काम किया है। इदरीस भाई ने और इस उम्र में प्रेसिडेंट चैम्बर बन गए कराची जैसे में, और इदरीस भाई ने भाई और ये लोग तो ऐसा सोशल काम भी कर रहे हैं। इकबाल भाई बागे आलार का पूरा हॉस्पिटल रन कर रहे हैं गरीबों के लिए, और इमदाद करना रमजान में गरीबों को देना, खिलाना पिलाना, बहुत बड़ी बात है। तो अभी इन्होंने
लेब वेब भी बनाई है, बहुत सारी लेब बनाई है। और इकबाल भाई तो अभी एक्सपोर्ट कमेटी के भी वो प्रेसिडेंट के एडवाइजर बने, माशाल्लाह बड़ी बात है ये। और छोटी सी उम्र में इदरीस भाई, तो इदरीस भाई को और इकबाल भाई को भी लाते हैं। वसीम भाई जरा हमारे इन दोनों को भी हम यहाँ आएंगे, वो तो खैर इनके चंद्रल दोस्त है, मगर आपकी वजह से जरा और दस्त। जब भी आप आए हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर है, और इंशाल्लाह ताला आपको पूरा विजिट कराएंगे, पूरा सियालकोट का भी। ये तो सिर्फ एयरपोर्ट है ना, सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि आगे स्माल इंडस्ट्री स्टेट इसकी सियालकोट की, और पीछे हमारे ये बिल्कुल हम छोड़ के आए टिकट पीछे। और सियालकोट का जो इंडस्ट्रियल जोन है वो तो आप देखेंगे तो हैरान रहेंगे कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, जिसके लिए लोगों ने कावज की कि यहाँ पे एयरपोर्ट भी बन गया, ड्राईपोर्ट भी मौजूद है, और यहाँ से काफी ज्यादा पाकिस्तान जो है वो अपने अंदर मौजूद जो कुमार है। इदरीस भाई को लेके आना है, क्योंकि टीम पूरी विजिट करे, और यहाँ मैं बाकायदा वसीम भाई मेजबानी करेंगे पूरी की, सबको वेलकम करेंगे। बिल्कुल ऐसी बात बहुत अच्छा है। और अभी वसीम भाई ने हमको ड्राई पोर्ट भी बताया यहाँ का, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये बहुत आगे जाएगा हमारा जो है। ड्राई पोर्ट तो बहुत पुराना है, मगर ये कितना खूबसूरत देखे ना, और कितनी तादाद में पब्लिक यहाँ पर है, ये इंटरनेशनल। आपको हम जो ना सर्वे करा रहे हैं बाय रोड, देखें पूरा आता कितना खूबसूरत बना हुआ है। वसीम साहब हमारे ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, रजाक मेरे भाई भी पीछे बैठे हुए हैं, और ये सियाल का देखिए खूबसूरत तैयारा एरोप्लेन यहाँ मौजूद है सामने, ऐसे बेशुमार तैयारे और हैं यहाँ पे। फूड सेंटर बने हुए हैं यहाँ पे, मिस्टर सीओडी फास्ट फूड है यहाँ पे। आओ मैं आपको खिलाऊं। यूके नहीं, अभी तो पेट भरा हुआ है, अभी तो वसीम साहब ने इतना खाना खिलाया घर पे जबरदस्त। चले चलते मैं जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा वक्त हुआ है खाए हुए, चल फिर घर की तरफ चलते हैं। बिल्कुल अभी आपको ना आगे चक्कर लगवा के लाता हूँ मैं, लेदर फील्ड और फूड वाले जो है। जेट एशिया इनकी प्राइवेट इनकी तो सियाल है ना, सियाल को टॉल की जो है एयर सियाल पे भी बिलाल आया है, ब्लू एयर भी आया है। और बहुत बड़े एरिए पर मुश्तमिल है ये एयरपोर्ट, बहुत बड़े काफी है। चले आपको फिर आगे कि ये फॉरवर्ड ग्रुप्स के नाम से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और फीफा वाले तमाम फुटबॉल जो है यहाँ से एक्सपोर्ट हुए और यहाँ बनाए गए फॉरवर्ड के नाम से। और ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे पाकिस्तान में ये वो जगह है जहाँ फीफा के सारे जो है फुटबॉल यहाँ से एक्सपोर्ट किए गए हैं। माशाल्लाह ये है पूरा फॉरवर्ड ग्रुप, वेरी गुड। और ये तहसील समरियाल यहाँ से खुदा हाफिज़ देनी, ये समरियाल से खत्म हो जाता है जो है, ये फॉरवर्ड जो है ये हमारा इसमें आता है, नाम है फुटबॉल की दुनिया में, फुटबॉल की दुनिया में। देखिए ना जी, कतर जैसे फीफा में जब यहाँ से फुटबॉल अप्रूव है और यहाँ से गए, सारा जितना भी अभी फॉरवर्ड का ही एरिया है, ये सारा फॉरवर्ड का ही एरिया, इसका ओनर भी फॉरनर है। अच्छा, उसने यहाँ पे ये इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे लोग आके यहाँ काम करने में के लिए ना फख्र महसूस करते हैं। अभी हमने इनके अशरफ साहब का बेटा है ना जो यहाँ पे काम करते हैं, नहीं वो नहीं इधर नहीं है, वो लेदर फील्ड में काम करते हैं। अभी वो नहीं, एक मेरे वहाँ कौन थे मेरे से मिले थे आपके घर में ही, कि मैं उसमें फॉरवर्ड इसमें रशीद साहब का बेटा काशिफ है, काशिफ काम करता है। अच्छा, रशीद साहब का बेटा है वो काशिफ, उसकी रात की ड्यूटी है, इधर ही करता है वहाँ फॉरवर्ड में, इधर आ गया उसकी रात की ड्यूटी, यहीं पे काम करता है। वो मुझे कह रहा था कि हमें जो है ना अपने एम्प्लॉय को भी गिफ्ट में देते हैं, मैं आपको मैंने कहा नहीं मुझे तो जरूरत नहीं है फिलहाल। साथ में इसके साथ ये हाउसिंग सोसाइटी है, खूबसूरत सी, हाँ ये हाउसिंग सोसाइटी इनके साथ ही बनाया है ना, ये कनाल सिटी के नाम से। वसीम भाई ने अपनी गाड़ी रोक ली है और हमें मसाले वाले अमरूद खिलाने के लिए यहाँ लाए हैं, कि चले आपको मसाले वाले अमरूद खिलाएं। ये लिंक कनाल है, ये वाली जो जगह लिंक कनाल, लिंक कनाल ये जगह सियालकोट की जगह है ये।
और वसीम भाई यहाँ पे मसाले वाले अमरूद चलाने के लिए हमें लाए यहाँ पे। मसाले वाले अमरूद माशाल्लाह जबरदस्त। सियालकोट से पहले वजीराबाद जंक्शन और वजीराबाद जंक्शन से फिर ये आगे पूरे पाकिस्तान को जो है ना वो ये जो है मिलती है हाली। अच्छा। सियालकोट से नारोवाल बॉर्डर एरिया जितना भी है, हाँ, नारोवाल शकरगढ़ ये उधर जफरवाल ये सारे बॉर्डर एरिया के साथ में शहर है, सबको मिलते हुए ये लाहौर से जाकर लाहौर जंक्शन में अच्छा जाकर ये मिलती है और फिर पूरे पाकिस्तान। अच्छा, ये एरिया जब सियालकोट यहाँ से स्टार्ट होता है बस इससे आगे जो ये उब्बो की का इलाका है। अच्छा, ये आगे फिर सियालकोट पर अच्छा यहीं से स्टार्ट होता है। अच्छा, वो हजरत अल्लामा इकबाल साहब का रिहाइश वो तो ओल्ड टाउन में ना। रजाक भाई मसाले वाले अमरूद खा रहे हैं। नितिन बड़ी मेहरबानी आपकी, आपकी मोहब्बत है भाई, बड़ी मेहरबानी यार, बस आप आओ फिर आप खाऊंगा। आपका इंतजार रहेगा दोस्त, खुदा आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मसाले वाले साढ़े आए दो दिन गड्डी रुकी रही है धुंधी वजह से, तो अमरूद बाद तेल कारा च सारे लिया जी अमरूद दे असी 200 तो घट दी अमरूद दे। ये सम्बरियाल की जो है नहर है माशाल्लाह, इस नहर की क्या खूबी है वसीम साहब? ये खास तौर पे अभी भी ये जो लोग फिश पकड़ के बेच रहे हैं अच्छा और बकायदा उन्होंने स्पॉट बनाए हुए हैं, वो सेल भी करते हैं अच्छा और फ्राई करके भी सेल करते हैं। बैठने का इंतजाम है इधर फैमिलीज के लिए, लाइव है बकायदा ये पकाते हैं। हाँ हाँ अच्छा? उधर ही सामने सामने अच्छा। और इसके बाद गर्मियों में खास तौर पे जब तरबूज का मौसम होता है तो इस नहर का पानी इतना ठंडा है कि आपको मेरे ख्याल में बर्फ डालने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अच्छा, और यही तरबूज इसमें रखते हैं ठंडे पानी में। अच्छा, आम लेके आते हैं लोग, यानी पिकनिक मनाते हैं आगे ना यहाँ पे। अच्छा माशाल्लाह, ऐसी जबरदस्त जगह है, कुदरती ठंडा करके उसको तो वो यहीं पे खा के एंजॉय करने के लिए। अच्छा, एक चक्कर उधर का देखें जरा, लगा के कैसा है जरा, फिर वापस टर्न करके यहाँ से आ जाते हैं। ये हमारा ये टेनरी एरिया जितना भी है ना। अच्छा, ये हमारा टेनरी एरिया, यहाँ पे टेनरी जितनी भी है ना टेनरी। अच्छा, ये इलाका टेनरीज का है सारा। हाँ जी, यानी सियालकोट की मशहूर ये है, यहाँ से लेदर जो है ना वो तैयार होके जाता है। कराची में तो है बहुत ज्यादा टेनरीज है ना, वहाँ पे भी तैयार होता है माल, और यहाँ से भी तैयार होके ना सियालकोट को लेदर जो है वो मिलता है। हमारे यहाँ भी बेचारे एस एम मुनीर साहब जो हमारे टेनरी के सबसे बड़े हेड थे हमारे कराची के, और लाहौर से भी उनकी वापस दिखी थी, घर फैमिली को लाहौर में चली गई थी, मगर अभी हाल ही में इनका इंतकाल हुआ। ऐसे मुनीर साहब ने ज़िंदगी कराची में गुजारी और कराची वाले भाईजान के नाम से इनको याद करते हैं सब लोग। तो ये सम्बरियाल नहर के साथ में ये यहाँ से फिश वगैरह देखे सेल होती है, ये मीठे पानी, मीठे पानी की जो है सारी फिश जो है यहाँ पे की है ना, की है ना। 250 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, और ये सारी मकसद है यहाँ पे ये नहर सम्बरियाल नहर है। नहर ये मछली नहर की नहीं है, नहर की तो नहीं है, मगर कि यहाँ पे लोग आके ये खारे पानी की नहीं है। नहीं, ये ज्यादातर ना ये कराची से आती है। अच्छा अच्छा, सियालकोट में एक इसका मखसूस बाजार रखा हुआ है, ये जो हमारी अलामा इकबाल एक्सप्रेस है ना, उसी पे ये सारा सामान ना आता है, कराची से समंदर के। अच्छा अच्छा, तो यही पकाते हैं और यही ये लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इन्होंने भी ये बना तो है ना, बना के भी खिलाते हैं, गाड़ी बनी हुई होती है ना, तेल वेल लगा हुआ होता है उस सब। अब इनको इतना पता नहीं है लोगों को, ये अच्छी मार्केट है, ये फिश मार्केट बन से फिश मार्केट बेहतर है। अपना जो केमाड़ी है ये राइट साइड, ये कॉलेज है हमारा ना सम्बरियाल का, सम्बरियाल कॉलेज है सारा। वसीम भाई, मैं वो केमाड़ी लेकर जाऊंगा ना, जहाँ पे मछलियाँ अपन नहीं गए थे। हाँ, गए थे उधर। हाँ, देखा ये इन्होंने सारा इधर ना, अभी सर्दियों में इतना नहीं होता, गर्मियों में तो इधर जो है ना वो बड़ी रौनक होती है, बहुत ज्यादा पब्लिक, और खास तौर पे रमजान उल मुबारक में। ये अभी तो रमजान उल मुबारक आ रहा है ना, थोड़ा ठंडे ठंडे गर्म मौसम में। अच्छा, लेकिन जब पूरी गर्मी में होता है ना रमजान उल मुबारक, तो लोग आके इधर दो दो तीन तीन घंटे जो वो गुजारते हैं। अच्छा।